हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे फिंगर स्टाइल। सो ये हमारा फर्स्ट लेसन है फिंगर स्टाइल का, और इसमें हम सीखेंगे कि राइट हैंड की क्या टेक्निक होती है फिंगर स्टाइल में। बेसिकली हम सीखेंगे राइट हैंड रूल फॉर फिंगर स्टाइल। सो जैसे थंब कौन सी स्ट्रिंग प्ले करेगा, इंडेक्स फिंगर कौन सी स्ट्रिंग प्ले करेगी, एंड सो ऑन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको बेसिक कॉर्ड्स आती हैं, आपको बार कॉर्ड्स आती हैं, और आपको थोड़ी बहुत स्ट्रमिंग आती है, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद इट। इवन इफ यू डोंट नो बार कॉर्ड्स, यू कैन लर्न टुगेदर विद फिंगर स्टाइल, दैट्स ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली क्या है कि आपको जो बेस स्ट्रिंग होती है, बेस स्ट्रिंग्स कौन सी हैं, सिक्स, फिफ्थ एंड फोर्थ, ये आपको हमेशा थंब के साथ प्ले करनी है। थंब, सो बेस स्ट्रिंग जो है आपको हमेशा थंब के साथ प्ले करनी है। सो थंब सिक्स स्ट्रिंग के लिए भी, फिफ्थ स्ट्रिंग के लिए भी, फोर्थ स्ट्रिंग के लिए भी, ओके। सो बेस स्ट्रिंग्स के लिए थंब, एंड देन थर्ड स्ट्रिंग जो है हम प्ले करते हैं इंडेक्स फिंगर्स के साथ, इंडेक्स फिंगर के साथ, और जो सेकेंड स्ट्रिंग है हम प्ले करते हैं मिडिल फिंगर के साथ, एंड जो फर्स्ट स्ट्रिंग है हम प्ले करते हैं इंडेक्स रिंग फिंगर के साथ, ओके। सो ये this third with index, second string with middle, or first string with ring finger, so it's like that, okay। अब जैसे मान लो आपको प्ले करना है सिक्स स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग, तुम कैसे प्ले करेंगे? सिक्स, थर्ड, ओके, थंब से प्ले करेंगे हम सिक्स स्ट्रिंग को, और थर्ड स्ट्रिंग को हम प्ले करेंगे इंडेक्स के साथ, राइट, और सेकंड स्ट्रिंग को हम प्ले करेंगे मिडिल फिंगर के साथ, और फर्स्ट स्ट्रिंग को हम प्ले करेंगे रिंग फिंगर के साथ। सो कंफ्यूजिंग, ओके। सो क्या हो जाएगा ये, ओके। सो पहले आपको इसकी प्रैक्टिस ओपन स्ट्रिंग्स में करनी है, डोंट इंक्लूड एनी कॉर्ड्स, जस्ट स्टार्ट वेरी स्लोली विद प्रैक्टिस स्लोली, एंड सो क्या हो जाएगा ये, ओके। अब मान लो आपको प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग, सो फिफ्थ स्ट्रिंग किससे प्ले करेंगे, थंब के साथ, एंड द रेस्ट विल रिमेन सेम। नाउ फोर थ्री टू वन, सो फोर थ्री टू वन, ओके। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस में यही करना है, पहले आपको प्ले करना है सिक्स थ्री टू वन, सिक्स मतलब सिक्स स्ट्रिंग, थ्री मतलब थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड मतलब सेकंड स्ट्रिंग, वन मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग, सो सिक्स थ्री टू वन, उसके बाद फाइव थ्री टू वन, फाइव इज बेस, प्ले करेंगे थंब से, रेस्ट इंडेक्स मिडल एंड रिंग, उसके बाद हम प्ले करेंगे फोर थ्री टू वन, सो सिक्स थ्री टू वन, फाइव थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, ओके। सो पहले सिक्स थ्री टू वन, ओके, दिस इज सिक्स थ्री टू वन, नाउ फाइव थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, सो फाइव थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, सिक्स थ्री टू वन, फाइव थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, सिक्स थ्री टू वन, फोर फाइव थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, ओके। एक बार आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आपको इसको रिवर्स करना है, रिवर्स मतलब हम कर रहे थे सिक्स थ्री टू वन, अब आपको करना है वन टू थ्री सिक्स, ओके, हम कर रहे थे सिक्स थ्री टू वन, अब आपको क्या करना है वन टू थ्री सिक्स, सो सिक्स थ्री टू वन, वन टू थ्री सिक्स, ओके। सो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कम, मतलब आपको लग रहा है कि ऐसे इस तरह से प्ले करने से आपको ऐसे पता नहीं चल रहा कौन सी स्ट्रिंग पर लैंड करना है, मतलब आपकी लैंडिंग सही नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, जबकि लिटिल फिंगर है आप उसको यहाँ रख सकते हो गिटार पे, जिससे आपको आपके पास ज़्यादा रूम नहीं होगा दूर जाने के लिए, लेकिन अगर आप ऐसे प्ले करते हो तो आप कभी इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, पर अगर आपकी फिंगर यहाँ फिक्स्ड है तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, सो आप ऐसे भी कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लिटिल फिंगर को यहाँ बोर्ड पे रखते हैं तो जो रिंग फिंगर है
रिंग फिंगर, उसकी जो है इंडिपेंडेंसी कम हो जाती है, मेरे लिए तो हो जाती है। आई डोंट नो अबाउट यू, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कंफर्टेबल तो आप पिंकी फिंगर को यहाँ रख सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप नॉर्मली ऐसे प्ले कर सकते हैं, ओके, अदरवाइज और ऐसे। सो हमने प्ले किया था 6 3 2 1, अब हम करेंगे 1 2 3 6, ओके, 6 3 2 1 1 2 3 6। आपको 6 और 1 दो बार प्ले करने हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, जैसे आपने प्ले किया 6 3 2 1, तो 1 फिर से करना है, 1 2 3 6, फिर 6 3 2 1 1 2 3 6 6 3 2 1 1 2 3 6। और आपको इसको करना है जितना स्लो हो सके उतना स्लो। आपको हमेशा याद ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो कितनी भी स्लो क्यों ना कर रहे हो, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, गलतियाँ कम होनी चाहिए, तो तभी गलतियाँ कम होंगी जब आपकी स्पीड कम होगी, ओके, फिर आप धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हो। अब ऐसे ही आपको करना है 5 3 2 1 1 2 3 5। इसका रीज़न क्या है कि आपके थंब को आदत हो जाएगी, क्योंकि 3 2 1 और 1 2 3 तो सेम रह रहे हैं, लेकिन जो थंब है, थंब 3 स्ट्रिंग्स को प्ले करता है ना, बेस स्ट्रिंग्स को, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके थंब को आदत हो जाए कहाँ पे 5 है, कहाँ पे 4 है, कहाँ पे 6 है। सो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। सो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, 6 3 2 1 1 2 3 6, फिर 5 3 2 1 1 2 3 5, फिर 4 3 2 1 1 2 3 4, एंड देन रिपीट रिपीट अंटिल यू आर डूइंग इट परफेक्टली, ओके। फिर उसके बाद आपको लगे कि आप ओपन स्ट्रिंग्स में इसको आराम से प्ले कर पा रहे हो, उसके बाद आप इसमें कॉर्ड्स इंक्लूड कर सकते हो, लाइक ए माइनर, सी, डी, जी, जो भी आपने लर्न करी हुई है। सो जब आप ए माइनर प्ले करोगे, आपने क्या प्ले करना है, 5 3 2 1, आपको कॉर्ड का बेस नोट प्ले करना है, ओके। जो हमारी ए माइनर कॉर्ड होती है उसमें 5 नोट्स प्ले करते हैं ना, 5 4 3 2 1, तो उसमें बेस नोट कौन सा होता है, 5th स्ट्रिंग बेस नोट होती है, दैट इज़ ए नोट, ए नोट उसमें बेस स्ट्रिंग होती है। तो आपको प्ले, जब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी कॉर्ड आप जो प्ले करने वाले हो, जब आप कॉर्ड्स वगैरह प्ले करने लग जाओगे इस पैटर्न के साथ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉर्ड का जो है वो बेस नोट प्ले करना है, ओके। जैसे मान लो ए माइनर प्ले करो, तो आपको 6th स्ट्रिंग नहीं प्ले करनी है, आपको 5th स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है, तो क्या होगा, 5 3 2 1, ओके। अब मान लो अगर आप ई मेजर प्ले कर रहे हो, तो किस से स्टार्ट करोगे, 6th से या 5th से या 4th से, मैं यहाँ पर सिर्फ बेस नोट की बात कर रही हूँ कि आप थंब कहाँ से स्टार्ट करोगे। ई मेजर में 6 की 6 स्ट्रिंग्स प्ले करते हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6th से, ओके। मैं इसको स्लो करके देखती हूँ, हम किस में शिफ्ट कर रहे हैं अभी, ए माइनर टू ई मेजर शिफ्ट कर रहे हैं। सो अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये शिफ्ट कभी आने नहीं वाला, ओके, एनीवेज हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके ओके। अब मान लो आप ए माइनर टू ई माइनर जा रहे हो, तो आपको सी में क्या प्ले करना है, आप सी मेजर प्ले कर रहे हो, तो सी में आपको कौन सा नोट, मैंने बोला बेस नोट प्ले करना, तो सी में बेस नोट कौन सा होएगा, ये 5th स्ट्रिंग पे आता है, तो आपको यही प्ले करना है, ओके। अब इसको इंक्लूड करते हैं ए माइनर के साथ और ई माइनर के साथ, सो ई ए माइनर, ई माइनर, सी मेजर, सॉरी बाहर बहुत शोर हो रहा है, एक्चुअली अब छुट्टियां हैं ना सबकी, तो बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं आजकल बाहर, सो सॉरी फॉर दैट। सबको प्रैक्टिस क्या करनी है, तो आपको क्या करना है, जितनी भी कॉर्ड्स आपको आती हैं बस वो इंक्लूड कर लो, और उसका बेस नोट से स्टार्ट करना है। सबको मैंने बताया था थंब क्या प्ले करता है, बेस नोट्स, तो आपको बेस नोट ध्यान रखना है कि आपको कौन सा बेस नोट प्ले करना है। ए माइनर में हमने बेस नोट ए से किया, तो ए नोट कहाँ पे होता है, 5th स्ट्रिंग पे,
इसलिए हमने 6 स्ट्रिंग प्ले नहीं करी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. सो या यही है. तो एक बार सबसे पहले आपने क्या करना था, फर्स्ट थिंग आपने क्या करनी है कि आपको ओपन स्ट्रिंग में प्ले करके देखना है. ओके फिर हमने दूसरा क्या सीखा, आपको रिवर्स प्रैक्टिस करनी है. ओके उसके बाद जब आप इसमें परफेक्ट होने लग जाओ तब ही आपको कोड्स में शिफ्ट करना है. ओके उसके बाद आप बार कोड्स भी इंक्लूड कर सकते हो, लाइक हम इंक्लूड करते हैं बी बी माइनर. ओके तो अगर आप डी प्ले कर रहे हो, डी कॉर्ड प्ले करोगे, तो आप कौन सा बेस नोट प्ले करोगे, कौन सी स्ट्रिंग प्ले करोगे, 6th, 5th या 4th? ऑफ कोर्स 4th स्ट्रिंग, बिकॉज डी में हम कितनी स्ट्रिंग्स प्ले करते हैं, 4th स्ट्रिंग. तो आपका बेस नोट कौन सा होगा, 4th स्ट्रिंग पे. और जी अगर करते हैं तो 6th. जो भी आप कॉर्ड प्ले करो उसका बेस नोट उसके साथ प्ले करो. ओके सो बार कॉर्ड में बेस नोट निकालना बहुत इजी है. जस्ट जहाँ पे आप प्ले कर रहे हो, जहाँ पे इंडेक्स फिंगर रुक रही है, दैट इज़ द बेस नोट. दिस इज द बेस नोट, दिस इज़ द बेस नोट, दिस इज़ द बेस नोट. दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट आई यूज़ टू डू, बिकॉज जब मैं गिटार सीख रही थी तब मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज में मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी मैं बताती हूँ. सो उसके लिए आपको गिटार की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बस आपको अपने दो हैंड्स चाहिए. आपको क्या करना है, जब आप कॉलेज में हो, कहीं भी हो, मतलब अभी तो कॉलेजेस बंद है, ओके आप कहीं भी हो, जैसे अपने रूम में हो या टीवी देख रहे हो या कुछ भी, आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग्स हैं, दीज आर द स्ट्रिंग्स. ओके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो पहले गिटार में, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए डिस्टेंस का स्ट्रिंग्स के बीच में, एंड देन उस डिस्टेंस पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है. चाहे डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर भी हो जाए, डजेंट मैटर. तो आपको बस यही करना है, क्या करना है, मान लो आपकी 6th स्ट्रिंग है और ये आपकी 3rd स्ट्रिंग है और ये 2nd स्ट्रिंग है और ये 1st स्ट्रिंग है. सो 6 3 2 1, 6 3 2 1, देन 1 2 3 6, 6 3 2 1, 1 2 3 6. आई नो यू आर लाफिंग राइट नाउ, बट दिस इज़ व्हाट आई यूज़ टू डू ऑल द टाइम. देर आर मेनी फिंगर स्टाइल टेक्निक्स आई हैव लर्नड दिस वे. आई डिडंट लर्न दिस लेसन, दिस थिंग फ्रॉम एनीवेयर ऑन यूट्यूब. दिस इज़ I have made this thing, but I don't know if it's going to work for you or not, but mere liye to ye really kaam ka tha, main aise baith ke practice karti rehti thi. So that is all about the first lesson. Mujhe lagta hai maine kuch zyada hi bada bana diya lesson. So that's all for that first lesson, and see you in the next video.